नमस्कार, मैं हूँ डीनोज। आजकल की जो स्थिति है इंडिया में कोविड-19 की, वो दुनिया में अभी तक सबसे खराब स्थिति है। ऑक्सीजन हमारे पास है नहीं, तो बाहर की देश हमें हेल्प कर रही है ऑक्सीजन भेज के। और जैसे कि आपको पता है कि हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं है, बेड नहीं है लोगों को एडमिट कराने की। तो ऐसा चलते लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है कि अगर हमें भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया तो क्या करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपको भी लगता है कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो घर बैठे ही आप क्या कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। लेकिन उस चीज को जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये कोविड-19 आपकी बॉडी में ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरोना से रिलेटेड सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि कोविड-19 इन्फेक्शन के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, जहां पे लोगों को कोरोना होता है लेकिन उनकी बॉडी में कोई सिम्टम नजर नहीं आते, उनको लगता है कि वो एकदम ठीक है और मस्त मलंग बाहर घूमने लगते हैं विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइजेशन। और इन स्टेज वाले लोग ही सबसे ज्यादा रिस्की है वायरस को और भी ज्यादा फैलाने में। स्टेज 2, यहाँ पे लोगों को हल्की सी बीमारी और कफ होने लगती है, सर दर्द और हल्का सा सांसों का फूलना भी इस स्टेज की एक निशानी है। स्टेज 3, इस स्टेज में आके पेशेंट्स को जितनी जल्दी हो सके ठीक टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट करना सही डिसीजन है। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट होगी उतनी ही जल्दी आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। स्टेज 4, अब इस स्टेज पे आके अगर कोई पेशेंट है तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इस स्टेज पे आके पेशेंट्स को ARDS यानी कि अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी कि सांस ना ले पाने की कंडीशन, जो कि आजकल न्यूज में आप बहुत देख रहे हो और जो कंडीशन अभी इंडिया में हो रही है वो यही कंडीशन मैक्सिमम है। तो ये वायरस कैसे आपकी बॉडी में इफेक्ट करता है जिससे कि आपको ये ARDS हो जाता है? तो ये कोविड-19 आपकी लंग्स को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। आपके लंग्स में छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं जिसे हम एल्वियोली कहते हैं। ये एल्वियोली आपके लंग्स से ब्लड वेसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। फिर ये ब्लड वेसल से ऑक्सीजन जाती है आपकी RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स में, जहां ये रेड ब्लड सेल्स आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन में ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। लेकिन ये कोविड-19 क्या करता है, आपके लंग्स में जो एल्वियोली की जो वॉल होती है ये पूरी तरह से इसको डैमेज कर देता है और उसके ऊपर एक मोटी सी परत बन जाती है जिससे ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स में नहीं पहुंच पाता। जितनी ज्यादा मोटी परत उतनी ही ज्यादा मुश्किल होती है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सप्लाई करने में, और जिससे ऑब्वियसली सांस लेने की तकलीफ होती है। और क्योंकि अभी आपके बॉडी के ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा तो तब आपकी बॉडी तड़पना शुरू करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपकी इम्यून सिस्टम उस वायरस को इमीडिएटली मारने की कोशिश करती है और उस एल्वियोली को डैमेज होने से बचाती है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। तो इम्यूनिटी की बात करें तो अब आ जाता है हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो कैसे आप घर बैठे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हो और आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हो? जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि लोग आजकल बहुत ज्यादा पैनिक करने लगे हैं और उनको ये डर बैठ गया है कि क्या हमें ऑक्सीजन मिल पाएगा सही समय पर, क्या हॉस्पिटल में जगह बचा है कि हम लोग एडमिट हो पाएंगे, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को खुद के पैसों से खरीदने लगे हैं। तो सबसे पहले अगर आप भी ऑक्सीजन सिलेंडर को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले तो आप एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आप अपनी ऑक्सीजन लेवल को चेक करो, अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल 90 से कम है तब आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। उस हालात में आप ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करोगे। अब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक YouTube वीडियो का लिंक दे दूंगा जहां पे आप जाके देख सकते हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है सही तरीके से। दूसरी जो तरीका है, सबसे पहले वो तो आप अपनी डाइट को कम्प्लीटली बदल दो। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया है कि आप अपने खाने में आयरन रिच खाने को इंक्लूड करो, जैसे कि पालक हो गया या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए। इस तरह के आयरन रिच फ्रूट आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करते हैं और आपके बॉडी में ब्लड फ्लो ज्यादा तेज हो जाती है। तीसरी है, अगर आपको इमीडिएट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तभी के तभी आपको सांस फूल रही हो, तो इमीडिएटली आप प्रोनिंग पोजीशन में बैठ जाइए। डॉक्टर्स का मानना है कि इस प्रोनिंग पोजीशन से आपको बहुत ज्यादा आराम मिलती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो में जाके आप देखिएगा जरूर कि किस तरह से प्रोनिंग आपको करनी चाहिए और क्या सही तरीका है और कैसे आपको बॉडी को रिलैक्स कर सकता है प्रोनिंग इमीडिएटली, अगर आपको सांस लेने की तकलीफ आ रही हो तो। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लीज मुझे पता है कि लॉकडाउन में सबके सब आप घर में बैठे हो, लेकिन आपके बॉडी में एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो सिर्फ आपकी बॉडी ही नहीं बल्कि आपकी लंग्स की भी एक्सरसाइज होती है, आपकी लंग्स और हार्ट हेल्दी हो जाती है। तो अगर आप घर पे हो तो नॉर्मल कोई जंपिंग एक्सरसाइज कीजिए या फिर उठक बैठक कीजिए, या फिर अगर आपके घर पे सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियां से ऊपर नीचे कीजिएगा, लिफ्ट को कम्प्लीटली बंद कर दीजिए। और ऑफ कोर्स आपके सुबह सुबह उठ के प्राणायाम कीजिए। रेगुलर प्राणायाम से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज हो जाएगी और आपकी लंग्स की भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो रोज सुबह प्राणायाम जरूर कीजिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो।
तो यही 4-5 चीजें थी जिससे आपको घर में रिलीफ मिलेगी। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर आपको कोविड नहीं है और आपकी ब्रीदिंग सिचुएशन सब कुछ ठीक है तो इतना हल्का में मत लीजिएगा, और प्लीज मास्क पहनिए, दूसरों से थोड़ा दूर रहिए और सैनिटाइज कीजिए बॉडी को, और तब जाके ही आप कोविड से बचे रहोगे और आपको ना वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी ना ही मेडिकल ट्रीटमेंट की, और आप घर बैठे बैठे ही ठीक हो जाओगे। कोविड से रिलेटेड सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे दूसरे वीडियोस को जाके भी प्लीज देखिएगा, वहां पे बहुत अच्छे से मैंने एनवायरमेंट और सोशल चीजों के बारे में भी मैंने बताया है। इसी तरह नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपके लिए रेगुलर लाते रहता हूं। अगर आपको भी नॉलेज गेन करनी है हर चीज के बारे में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है? तो मिलता हूं आपसे अगले डिनोस की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।